चलो। सो लास्ट क्लास में केटीजी खत्म किए थे हम लोग, शायद याद है, इंटरनल एनर्जी नाम का चीज बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखा दिया था। यस सर। सो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में? हाँ सर। हाँ सर। क्या पढ़े हो सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऐसा आप कह रहे हो? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता था वही अगर हीट में है तो इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यहाँ तक तो सही है। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एक्सप्रेशन क्या है? बोलो बोलो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई प्लस वर्क डन। टोटल एनर्जी इज हीट सप्लाई प्लस वर्क डन। वर्क कौन? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा चेंज इन टोटल। चलो तुम लोग वैसे पढ़े हो, सही है, वो गलत नहीं है। Work done applied by external force, like pressure outside. अब सुनो मेरी बात सुनो, सिंपल भाषा में समझो। मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए, ठीक है? हाँ सर। उसमें से तुमने 10 रुपए अपने पॉकेट में रख लिया। हाँ। और 40 रुपए का काम किया, सीधा हिसाब है। हाँ सर। So, if q amount of heat is given to system, then that system will increase its internal energy and whatever remains will do work. तो ये जो सीधा सीधा इक्वेशन है इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो q क्या है? टोटल एनर्जी सप्लाई, हीट गिवन टू द सिस्टम। क्यू इज हीट गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और W is work done by the system. Work done by the gas, the system. तो ये जो कॉमन सेंस है इसी कॉमन सेंस को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब एक एक करके देखो, Q अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है? ठीक है। यस। क्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है। यस। डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी, आई थिंक।
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, और इंटरनल एनर्जी हम लोग देखे थे पिछली बार केवल टेम्परेचर का फंक्शन था। तो इसका मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, जिसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, कॉमन सेंस है। यस सर। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, जिसका मतलब हो गया टेम्परेचर डिक्रीजेस, कॉमन सेंस है। डब्लू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम। नहीं रे, बाय द सिस्टम। यहाँ पर हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस, है ना? तो केमिस्ट्री से उल्टा कन्वेंशन है ना। उल्टा कहाँ करना है, वही है। तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव वर्क डन। अरे गधे, तो एक्सप्रेशन में भी तो यहाँ माइनस था उसमें। उस एक्सप्रेशन में देखो तो Q is delta U minus W था। हाँ सर। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री अलग साइंस लगेगा और फिजिक्स अलग, वही साइंस है। और नेगेटिव मतलब इक्वेशन तो सेम ही है। कहाँ सेम है सर? मतलब डेल्टा U equal to Q minus W, उसमें Q minus W है। हाँ सर। हाँ, तो और इसमें Q plus W है, मतलब W का साइन अलग अलग होगा दोनों कन्वेंशन में। हाँ सर। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या मतलब हुआ? कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्या, कि गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये बात समझ आती है? हाँ सर। है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें तीन कंपोनेंट है, क्यू, डेल्टा यू और डब्लू। कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। इसको कॉपी कर लो पहले यहां तक, फिर ये तीनों कंपोनेंट का वन बाय वन कैलकुलेशन देखेंगे।
एक मिनट No, sir. हो गया होगा सबका? हाँ अब एक एक करके सबका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे आसान है डेल्टा यू। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू सबसे आसान था। हम लोगों को मालूम है U क्या होता था, नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 RT। पिछले लेक्चर में पढ़े थे। यस सर। सो डेल्टा U का मतलब हो गया फाइनल U माइनस इनिशियल U, दैट इज नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 R कॉमन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू आर अपॉन टू डेल्टा टी इज डेल्टा यू, है ना? हाँ सर। अच्छा सो फॉर मोनोएटॉमिक डेल्टा यू विल बी 3/2 एन आर डेल्टा टी। यस सर। फॉर डायटॉमिक डेल्टा यू विल बिकम 5/2 एन आर डेल्टा टी। And for polyatomic,
डेल्टा यू विल बी 6/2 एन आर डेल्टा टी हो गया, ऐसा कॉमन सेंस है। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हमें समझ में आता है, दो चीजें इनफैक्ट। फर्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस और सिस्टम ऑफ गैसेस इज ए स्टेट फंक्शन। हाँ सर, स्टेट फंक्शन का मतलब है कि अगर कोई गैस ए से बी तक जाता है, जिस किसी भी प्रोसेस से जाए, इस प्रोसेस से जाए या इस किसी प्रोसेस से जाए, समझ रहे हो? यस सर। या इस किसी प्रोसेस से जाए, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, इन तीनों प्रोसेस में डेल्टा यू सेम होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यस। तो डेल्टा यू पाथ वन, पाथ टू और पाथ थ्री तीनों में सेम होगा। यस सर। अच्छा, दूसरा, डेल्टा यू फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। यस हाँ, ये भी कॉमन सेंस है। यस, ये पीवी डायग्राम मान लो मैंने ड्रॉ किया था, मतलब अगर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बाद ए से मान लो बी चला गया, बी से सी चला गया मान लो, सी से फिर ए वापस आ गया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम होगा। हाँ, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। यस, मतलब डेल्टा यू जीरो होगा, कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। इतना कॉपी कर लीजिए पहले।
sure, done. Answer. Done. Done. Sir, 2 minutes. आगे बढ़े यस सर एक सेकंड डन सर Calculation of work done. तो work power energy पढ़ चुके हो? हाँ sir. Yes. जस्ट समझाने के लिए वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाँ सर सपोज ये एक पिस्टन है और इसके अंदर ये गैस है तो ये गैस इस पिस्टन पर प्रेशर लगाएगा हाँ सर तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा जाएगा ना यस सर जाएगा तो ये पिस्टन अपनी अपनी जगह से मान लो dx ऊपर गया तो कॉमन सेंस से जो dw ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx ऐसा होगा वर्क डन बाय द गैस यस सो वर्क डन बाय द गैस मेरा हो जाएगा पी इंटू dv बोल सकते हैं इसको हाँ तो यहां से मुझे मिला वर्क डन बाय द गैस is equal to integral of PdV from initial volume to final volume. ये मेरा एक expression मिल गया. हाँ समझे. तो simple simple काम नहीं है. Case one. If pressure is constant. प्रेशर कांस्टेंट किसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस को कहते हैं हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर पी डेल्टा वी हाँ सर दैट इज पी इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हाँ सर और PV equal to nRT लगा सकते हैं हाँ. तो हम ऐसा लिख सकते हैं finally कि work done by the gas is equal to P delta V और nR delta T एक ही बात है yes.
अगर कांस्टेंट प्रेशर है तब। क्लियर? यस। केस टू, इफ प्रेशर इज वेरिएबल तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम वही इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रल पी डीवी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम जो भी हो जाए। जैसे वेरिएबल प्रेशर का एक एग्जांपल देख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। यस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू एनआर टी और टी कांस्टेंट है। यस। तो मैं पी को लिख सकता हूं एन आर टी बाय वी। सो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एन आर टी अपॉन वी, पी की जगह लिख दिया, इनटू डीवी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, हो गया ऐसा? हाँ सर। सो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन आर टी बाहर, इंटीग्रल डीवी अपॉन वी, ऐसा? यस सर। सो वर्क डन बाय गैस विल बिकम एन आर टी ln of final volume upon initial volume। ये isothermal के work done का formula हो गया। तो आपने mod लगाया? कोई भी process हो, मैंने example देख लिया है, work done by the gas in a आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर जगह नहीं रहेगी।
done sir yes sir done sir no sir हो गया आगे बढ़ो हाँ done सर आपने वहाँ पे mod क्यों डाला है एक्सपेंडर वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना हाँ mod की जरूरत जरूरत नहीं है बट जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो ना तो कुछ चीजें हैबिट में आ जाती है जैसे हम लोग मैच्योर हो गए तो हमें पता है लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन हो ये तो वैल्यूज आएगा तो मॉड लगाना ही चाहिए तो ये एक तरह का सेंस ऑफ मैथमेटिकल मैच्योरिटी है इसको तुम लोग अभी नहीं समझोगे शायद थोड़े बड़े हो जाओ तो समझोगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं ना कोई फंक्शन भी हो सकता है मॉड के अंदर तो मैथमेटिकल मैच्योरिटी है कि जब भी मॉड आप लिखते हो तो उसके अंदर कुछ भी लिखो उसमें जरूर सॉरी लॉग लिखते हो जरूर उसके अंदर मॉड लगाओ ये हैबिट में है मेरे हैबिट में ऐसा समझो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम तो इसमें दो तीन वैरायटी देखो सपोज ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिससे ए से बी तक गैस आया एरो ऐसा है तो ये हुआ हमारा फाइनल वॉल्यूम और ये हुआ हमारा इनिशियल वॉल्यूम ठीक है Yes. ये जो एरिया अंडर कर्व होगा ये एरिया अंडर कर्व मैथमेटिकली पी डी वी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम ऐसा ही होगा yes. तो ये हो गया वर्क डन ठीक है और फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम दिख रहा है इस ग्राफ में यस तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है ना इसमें क्या करते हैं ये एरो का साइन उल्टा कर देते हैं ऐसा है तो ये एरो का साइन ऐसा है मतलब इस केस में ये इनिशियल होगा ये फाइनल होगा यस हाँ सर तो वर्क डन ये जो भी एरिया है वो तो मैग्नीट्यूड हुआ बट सिंस फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वन तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा कॉमन सेंस है यस थर्ड Suppose
जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर ए आया। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, तो टोटल वर्क डन बाय द गैस देखोगे तो ये क्या हो जाए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, ऐसा होगा। यस सर। तो ए टू बी में वर्क डन इसके बराबर होगा, ये एरिया होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में। यस। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी में, यहां से लेकर यहां तक नीचे तक ये एरिया होगा। यस। yes. और ए टू बी में, ए टू बी में वर्क डन होगा पॉजिटिव, बी टू सी में वर्क डन होगा नेगेटिव। यस। yes. और इस एग्जांपल में सी टू ए में होगा जीरो। तो ये तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको लग रहा है कि वर्क डन हो गया नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव इतना कैंसिल कर देगा रेड और ब्लू वाला। हाँ सर। एरिया ऑफ एबीसी। यस सर। ठीक है। इसी में अगर मैं ये एरो का साइन केबल चेंज कर दूं, मतलब ए टू सी, सी टू बी, देन बी टू ए, ऐसा, तो ऐसे लिखूंगा ए टू सी, सी टू बी, बी टू ए, तो ए टू सी तो जीरो हो गया है ना। सी टू बी रेड वाला पॉजिटिव हो गया। यस। yes. और बी टू ए ब्लू वाला नेगेटिव हो गया, तो रेड वाला पॉजिटिव और ब्लू वाला नेगेटिव मिलाकर फाइनली पॉजिटिव ऑफ एरिया ऑफ एबीसी हो गया। सो इन जनरल ए बी सी डी सबको अगर देखोगे सबको तो ऐसा मान लो सब में दिख रहा है पैटर्न ये कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दिख रहा है। yes, इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आया। yes. इसमें देखो क्लॉकवाइज पॉजिटिव आया। yes. So, moral of the story is, cyclic process में work done हमेशा area enclosed के बराबर होगा, ठीक है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। सो इन अ पीवी डायग्राम ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस, work done by the system is
equal to area enclosed within cycle, full stop. If cyclic processes clockwise, work done is positive, and if cyclic process is anti-clockwise, work done is negative. Koi doubt kisi ko? No. Copy kar lijiye yahan tak. फिर इससे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के. हो गया सर? सर नो सर.
सर डन डन हो गया सबका, आगे बढ़े. यस सर. एक आप सी पॉइंट फिर समझाओगे? क्या समझाओ बोलो. सर मतलब नेगेटिव एरिया क्यों? क्या नेगेटिव एरिया क्यों? भाई साहब, ए से बी तक, ए से बी तक में केवल ए से बी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझो, तो नीचे जो ब्लू से क्रॉस किया है उतना पॉजिटिव वर्क डन आएगा. हाँ. और बी टू सी में नेगेटिव वर्क डन आएगा. बोलो. हाँ, हाँ. तो दोनों को ऐड करेंगे yes. तो जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है उतना नेगेटिव बच जाएगा ना. यस आया समझ में? हाँ. ये क्वेश्चन कोशिश करो. नोट भी दिखा सकते हो? सब नहीं लिखा है. नोट नहीं लिखा. लिखो जल्दी, लिखो, लिख लो. और जिसका बचा हुआ है वो लिख लो, और जिसका हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. हेलो.
एक मिनट सर बस हो गया मतलब डन सर क्या आंसर आया बताओ एनआरटी एलएन हाँ सर एनआरटी एलएन एनआरटी माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ टू यस सर NRT माइनस NRT LN2 ऐसा यस सर यस सर वेरी गुड कैसे किया फिजिक्स और कैसे सर PA प्लस फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू PA एटॉमिक एंड A सरफेस फिर एक्सटर्नल का आ जाएगा फॉर्मूला इसमें से ठीक है एंड देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इंटीग्रेशन करके वेरी गुड मैंने जानबूझ के दिया था कुछ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ठीक है तुमने किया सही है तुम लोगों ने जैसे किया पहले वैसे ही कर देता हूँ फिर एक नई चीज भी सिखाता हूँ इसमें क्या होगा इधर से प्रेशर लग रहा है और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है yes. The piston in the cylinder. Now the piston is displaced slowly by an external agent to make the volume double. मतलब ये external force इधर लग रहा है ऐसे? Yes. है ना? और लिखा है slowly. तो slowly का क्या मतलब है? Sir, P equals to P. मतलब acceleration zero. स्लोली yes, का मतलब है एक्सिलरेशन जीरो तो एक्सिलरेशन जीरो है तो हम ऐसा लिख सकते हैं P into A is equal to P into A plus force external is equal to atmospheric pressure into A ऐसा yes, sir. So force external is equal to area common atmospheric pressure minus gas pressure ऐसा कुछ yes sir ना अच्छा तो क्या पूछा work done by external agent यही ना yes sir तो work done by external agent is equal to external force into dx का integral yes sir that is एटमोस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स का इंटीग्रल माइनस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स का इंटीग्रल यस सर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर ये हो गया इंटीग्रल डी वी एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है ना यस सर माइनस इसको लिख देंगे इंटीग्रल पी डी वी यही है yes, sir. Yes. तो P कांस्टेंट तो इस PdV को हम ऐसा लिख सकते हैं NRT by V NR T by V T by V क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मैं दूसरे वाले की बात कर रहा था नहीं नहीं मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ NR डेल्टा T लिखेंगे हाँ उसको NR डेल्टा T इसको तो एन आर डेल्टा टी लिख देंगे या पी डेल्टा भी कुछ भी जो मन करे लिख देंगे समझ रहे हो yes, देखो इनिशियली कुछ कुछ दिया है इनिशियली एन आर टी दिया हुआ है ना तो इनिशियली एन आर टी दिया हुआ है और वॉल्यूम डबल हो गया क्या बोल रहा था भूल भी गया मैं हाँ तो वॉल्यूम डबल हो गया तो ये अभी हमने देखा था इसको लिखेंगे एन आर टी डी वी बाई वी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू डबल वॉल्यूम ऐसा कुछ है ना
इसको इसको रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, जब वी नॉट उधर लिखी दी है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं पी इंटू टू वी नॉट माइनस वी नॉट, ऐसा yes. तो ये हो जाएगा पी इंटू वी नॉट माइनस एन आर टी एल एन टू, ऐसा कुछ। और यहां पर क्या लिखेंगे, पी वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसा लिखेंगे yes, sir. तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा एन आर टी कॉमन वन माइनस एल एन टू। ये आप लोगों को आंसर शायद आया होगा। सर मैंने दूसरे प्रोसेस से किया। क्या किया सर? मैंने पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। वैसे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये लिख लिया सबने? हो गया? यस सर। सेकेंड मेथड देखो। ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, हाँ सर। और इंटरनल और गैस का प्रेशर लग रहा है, यही तीन चीज लग रहा है, हाँ। तो इसमें अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, जो फिजिक्स में पढ़े हो, वर्क पावर एनर्जी में, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यस सर। यस सर। है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। तो यहाँ पर वर्क डन बाय गैस, अभी हम लोग पढ़े थे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, एनआरटी एलएन2, कोई दिक्कत ही नहीं। वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो माइनस पी एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया ए इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, कुछ ऐसा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया एनआरटी एलएन टू और ये हो गया माइनस इनिशियल प्रेशर, और समझ रहे हो ये एरिया इंटू एक्स, ऐसा है, डबल वॉल्यूम हो गया है, तो ये एनआरटी बच गया, समझ में आ रहा है कैसे, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज प्लस एनआरटी माइनस एनआरटी लॉग टू,
That is nRT common, 1 minus ln 2. Yes, sir. ऐसे भी सॉल्व होगा. कोई डाउट किसी को? नो सर. सर हाँ सर, वो वर्क डन बाय गैस एनआरटी एलएन2 कैसे मिला? किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन अभी ऊपर में डिराइव किया था ना. हाँ सर. हाँ आगे बढ़े सर. हो गया? यस सर. आगे बढ़े. अब इस क्वेश्चन को करो. दिख रहा है सबको? दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. कोशिश कीजिए.
हो गया सर। सर डन सर। क्या है आंसर सर? नंबर ऑफ मोल्स तो PV इज इक्वल टू NRT से होगा। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बाद में वर्क डन बाय गैस वो अपने वर्क वर्क पर एनर्जी से टोटल लो लगा के हो गया। हाँ मास ऑफ पिस्टन आएगा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये स्प्रिंग। एंड फाइनल वाला भी PV को से एनर्जी से हो गया। हाँ फाइनल वाला PV जो एक पहले टाइम निकला था उसको डाल के हो गया। चलो फटाक से देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग रिलैक्स्ड है ऐसा। तो स्ट्रिंग रिलैक्स्ड है मतलब गैस का प्रेशर इनटू एरिया इधर और mg इधर लग रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया इधर लग रहा होगा। ऐसा कुछ होगा? यस सर। सो गैस का प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू mg प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर ऑफ गैस दिस विल बिकम mg बाय a प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ PV इज इक्वल टू NRT। तो P में हो गया प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम में हो गया एरिया इनटू हाइट h इज इक्वल टू NRT। टेम्परेचर T दिया हुआ है। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल मेरा हो गया प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। अब प्रेशर ऑफ गैस की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पी ए टी एम प्लस एम जी बाई ए इंटू ए इंटू एच अपॉन आर टी। यही कहानी है। यस सर। तो पी ए टी एम इंटू ए इंटू एच प्लस एम जी एच डिवाइडेड बाय आर टी। ये हमारा नंबर ऑफ मोल का आंसर हुआ फर्स्ट का। यही आया था आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो फर्स्ट पार्ट इज डन। Second part, work done by the gas to displace the piston by distance d when the gas is heated slowly. So work done by the gas क्या हो जाएगा? P dv का integral है ना? Yes. Yes. That is integral of P dv को लिख देते हैं A into dh 0 to d ऐसा कुछ। यही होगा? Yes. Yes sir. और P गैस हमें मिल चुका है mg by A plus P atm। Yes. तो ये हो गया mg by a। ये तो बाहर है। क्या बोल रहे हो? ये बाहर सर। इसमें वो स्प्रिंग का भी आएगा ना? हाँ स्प्रिंग का भी आएगा। तो ये प्रेशर तो टाइम के साथ चेंज करेगा। ये इनिशियल प्रेशर है। नहीं समझे? हाँ सर। एक टर्म और आएगा। नहीं ऐसे नहीं तो इसको ऐसे कर दो। ऐसे अगर दिक्कत है तो ऐसे कर दो। वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग दिस इज इक्वल टू जीरो। यस सर। तो वर्क डन बाय गैस मुझे ढूंढना है।
वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एमजीडी यस हां सर वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर माइनस पीएटीएम इनटू ए इनटू डी हां यस वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हां यस सर तो वर्क डन बाय गैस का आ गया आंसर आ गया सो एमजीडी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एडी प्लस हाफ के डी स्क्वायर ये सेकंड का आंसर हो गया ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत किसी को नो सर थर्ड में क्या पूछा था फाइनल टेम्प निकाल लोगे छोड़ दूं हां सर बहुत बड़ा है हां इसमें कुछ है नहीं पीवी इक्वल टू एनआरटी सिर्फ लगाना है यस सर ठीक है आगे बढ़े यस यस सर हां सर यस सर ठीक है नहीं ये जी इसको छोड़ देते हैं ये हो जाएगा चलो ये एक करो जरा से ये भी वैसे इजी है बट फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड अब छोटे छोटे दो क्वेश्चन देता हूँ दो तीन ऐसे ये करो यस सर सर एक बार सेकंड का सॉल्यूशन मिनिमाइज करके दिखाओ ना हो गया सर सर डन हो गया सबका यस क्या आंसर आया बताओ माइनस 500 आर यस सर क्या माइनस 500 आर हाँ माइनस 500 आर सही है सबको आ गया Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो हाँ सर हाँ सर
एक और कर लो, इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं होगा यार, बाद में यार भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। चल ये वाला क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस सर। इसको कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड में सबको आंसर आ गया होगा। W इज इक्वल टू माइनस 500 R। हाँ सर, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ किसको कीजिए अब?
डन सर। एक मिनट सर, हो गया ऑलमोस्ट। हो गया सबका, क्या आंसर आया बताओ? सर 2.76 × 10⁴ जूल्स। हाँ सर, मुझे 2.7 × 10⁴। हाँ आंसर दिया है 2.5 × 10⁴ जूल। देखते हैं 0 to 100 degrees Celsius and converted into steam इतना, the density of steam इतना, specific heat capacity of water इतना, latent heat rise इतना, ठीक है। So same story, Q is equal to delta U plus W, यही होगा है ना? हाँ तो आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू चाहिए, तो ये हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू। हाँ सर, क्यू क्या होगा? एमसी प्लस लैटेंट mass into latent heat of vaporization, ऐसा होगा? हाँ yes sir। ये heat हुआ, work done क्या होगा? sir water का तो zero रहेगा क्योंकि volume change negligible ले सकते हैं, और sir water to gas में expansion के साथ expansion होगा, तो p delta v। हाँ sir, p क्या होगा? 100 × 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो मास इज 10 ग्राम, सो 10 × 10⁻³ स्पेसिफिक हीट 4200, डेल्टा टी कितना है? 100 प्लस मास 10 × 10⁻³, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2.5 × 10⁶ माइनस P तो दिया हुआ है शायद 100 किलो पास्कल, तो ये हो गया 100 किलो पास्कल, किलो मतलब यानी कि 10⁵। डेल्टा V बताओ, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻³ अपॉन 0.6 माइनस 10 × 10⁻³ वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ में, तो 1000 kg ऐसा होगा? यस। सो 213 ये गया, तो ये हो गया 4200। इसमें माइनस 3 ये हो गया 3, तो 25 × 10³ 25,000 हो गया। यस सर। माइनस इसमें 10⁵ × 10⁻², बाहर ये हो गया 10/6 माइनस 1/1000 है ना? टेन बाई सिक्स कितना होगा? 1.667। हाँ, ये बहुत छोटा होगा, तो ऑलमोस्ट इसको 1.6 पकड़ लेते हैं, कौन पूरा लिखने जाएगा? तो ये हो गया 2920 माइनस 1600 है ना? हाँ सर। कितना हो गया ये? 27,600। हाँ सर, ये 27,600 जूल।
ये आपका आंसर होगा। यस सर। आया समझ में सबको? यस यस। आगे बढ़े सर, एक और करो सिमिलर सा, सिमिलर जैसा ये फोर्थ था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। जीरो डिग्री सेल्सियस आइस की डेंसिटी 990 होगा ना? चला की है 999 तो 99 मतलब हजार से कम होगा ये, हजार से ज्यादा। हाँ सर मैक्सिमम हजार। अच्छा एक नाइन एक्स्ट्रा है क्या सर? नहीं जीरो एक्स्ट्रा जो भी। हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा है या एक नाइन एक्स्ट्रा है 1990 होगा।
हो गया? यस सर। यस क्या आया बताओ? 35,990। सिमिलर है पहले जैसा? हाँ सिमिलर। Q is equal to delta U plus W। Q क्या होगा? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। यस is equal to delta U, work done क्या होगा? P delta V। So P delta V को क्या लिखेंगे? N raised to 5। P delta V is mass upon density। So density at 4 degree Celsius माइनस मास अपॉन डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा? यस सर। तो 2 केजी है, सो 2 इनटू 4200 इनटू डेल्टा टी, दैट इज 0 टू 4, ऐसा होगा। प्रेशर कितना है? 10 रेज टू 5। मास कितना है? 2 केजी। Density at 4 degree Celsius 1/1000, density at 0 degree Celsius 1/990, ऐसा होगा? Yes, yes sir। $33,600 is equal to delta U, और ये कितना होगा? So, तब कुल मिला के 2 हो जाता। एक तो ये नेगेटिव होगा, ये बात समझ आ रहा है? Yes sir। So minus 2 into 10 raised to 5, ऊपर हो गया 10 raised to minus 5 sir। क्या? Approximately 10 raised to minus 5 इसका fraction। तो 1000 माइनस 990 ये 10 हो गया, और नीचे हो जाएगा 1000 इनटू 990 है ना, तो ये 10 डेज टू 6 के आसपास हो गया दोनों मिला के, तो इसको हटा सकते हैं, 2 होगा, समझे? तो डेल्टा यू विल बिकम 33600 प्लस 2, तो 33,602 जूल, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एससी वर्मा में एक चैप्टर है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो पूरा कर सकते हो, समझे मेरी बात? यस सर। हां एसएससी में एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें 20-22 क्वेश्चन होंगे, पूरा कर सकते हो। सर आप केटीजी को असाइनमेंट भेजने वाले थे? नहीं भेजा है? नहीं सर, भेज दूंगा नोट्स के साथ। ये चैप्टर आप पूरा कर सकते हो, 22-23 क्वेश्चन होंगे या 21 ही होंगे, ठीक है? यस। चलो बाय। सर बोलो। सर जो आप असाइनमेंट भेजोगे वो किस चीज का होगा? बोला ना केटीजी का, उसने बोला ना अभी। ओके सर। हाँ